अपना बिहार में हूं शुभेंद्र मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कोर्ट में पेशी। कोर्ट से सीबीआई ने रिमांड की अपील की है। सीबीआई कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दी है। कई दिन से ये आरोपी फरार चल रहे थे। नीट पेपर लीक के बहुत ही अहम किरदार हैं जिन्हें रिमांड पर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट से सीबीआई की तरफ से 10 दिन की रिमांड दी गई है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। कुछ अहम किरदारों को इस वक्त सीबीआई कोर्ट की तरफ से 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। तो आरोपी रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत ही अहम किरदार जो इस पेपर लीक मामले से संबंधित है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर की जा सकती है? देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य किरदार में से एक है। एक किरदार जो है वो संजीव मुखिया है, दूसरा रॉकी। इन रॉकी की गिरफ्तारी सीबीआई जो है वो करने को लेकर के पिछले कई दिनों से प्रयासरत थी, जिस खबर को लगातार मीडिया बता रहा था। और ये खबर भी सबसे पहले न्यूज 18 बता रहा अपने दर्शकों को कि रॉकी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद रॉकी को पटना स्थित सीबीआई के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह है उनके यहाँ पेश किया गया कोर्ट में। और रॉकी को 10 दिनों की रिमांड की अर्जी जो है वो सीबीआई की तरफ से लगाई गई है। सीबीआई के जो पीपी हैं अमित पार, उन्होंने ये अर्जी लगाई है जिसे संभवतः कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 10 दिनों के लिए जो है रॉकी को सीबीआई को के पास जो है वो रिमांड पे सीबीआई कोर्ट ने भेज दिया है। अब सीबीआई जो है रॉकी से विस्तृत पूछताछ करेगी और पूरे कड़ी जो है अब तक जो भी सवाल जवाब हुए हैं, जो भी अनुसंधान हुए हैं, उससे रिलेटेड सवाल किए जाएंगे रॉकी से और फिर उसका मिलान किया जाएगा। और मिलान करने के बाद ये भी कोशिश होगी अब सीबीआई की कि इस मामले का जो दूसरा मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में भी सीबीआई की टीम जो है वो काम कर रही है और कामयाबी हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो कहीं नहीं कह सकते हैं कि क्लू जो है वो निकलवाने की कोशिश होगी। सीबीआई की टीम जो है वो रॉकी से ये जानने की कोशिश होगी करेगी कि संजीव मुखिया फिलहाल कहाँ है, और इसकी अगर जानकारी है तो उसके जानकारी गैदर करके फिर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि रॉकी की भूमिका जो अब तक अनुसंधान के दौरान या जो इन जिन लोग ने गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो बातें बताई है वो कहाँ तक सही है और कितने प्रमाणिकता पाती है सीबीआई इस मामले को लेकर के, उससे रिलेटेड तमाम अनुसंधान अब आगे चलेंगे। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो यही है कि रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई जो है कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी है। कोर्ट से आर्गुमेंट किया 10 दिनों के रिमांड जिसे संभवतः कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे किस तरह से सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।